आप सभी को नमस्कार, कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हिंद 999 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। तो इनके ओनर से मिलवाते हैं, तब राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है तब अपना? राजवीर जी। राजवीर, तो अपनी है जी ये मशीन है? हाँ जी। तो कितने मॉडल है सर ये? ये 2021 जी। 2021 है, तब की बार लेके आए हो? पिछले साल लेके आए। आपके पास पहली मशीन थी, आपके पास ली है जैसे? ये नई ली है जी, शुरुआत में यही ली है। हाँ जी। तो जैसे आपके पास पहले नहीं थी, तो आपको इनके बारे में नॉलेज भी नहीं होगी ज्यादा? नहीं नहीं। तो आपको किसने बताया कि ये एक कंपनी की इनकी मशीन लेके आओ जैसे? ये जी, जैसे हमने चलती देखी है एक दो मशीन, उसमें सबसे बेस्ट यही लगी हमने। अच्छा, चलती हुई देखी पहले? हाँ, पहले काम करती हुई देखी खेत में। हाँ जी, काफी मशीन देखी हुई? हाँ, काफी पहले काम जी। तो कैसी लगी फिर ये आप लेके आए हो? बहुत बढ़िया जी, कटाई कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया। तो टूट फूट भी नहीं हो रही ज्यादा कोई? ना, इसमें कोई वो। सफाई सफाई बढ़िया? बहुत बढ़िया सफाई कर रही है जी, गेहूं की सफाई भी बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा, और जैसे स्पेयर पार्ट इसका मिल जाता है अपने? हाँ, यही मिल जाता है जी, अपने पास है मुंडाल, थोड़ी नजदीक है, यही पर मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो लोगों का कैसा क्या रिस्पॉन्स है भाई, जैसे निकलवाते हैं तो ये बोलते हैं अच्छी कटाई करती है, अच्छी सफाई है? हाँ जी, लोगों का सभी का यही है, सबसे बढ़िया मशीन यही है। तो यही सजेशन करिए कि अगर कोई और भाई लेना चाहता हो मशीन? हाँ, तो सबसे बेस्ट यही मशीन है, ले सकते हैं सबसे बेस्ट जी। जी, धन्यवाद। तो एक बार मशीन का और देख लेते हैं, और इसके फोरमैन जैसे मिलवा दो, जैसे कैसी क्या चलनी है वो बता देंगे और अच्छे तरह से। लो जी। तो अपने स्टाफ जैसे बाहर से आता है? हाँ जी, पंजाब से। हाँ, तो आपने अभी तक ये नहीं देखा भाई, आपने खुद भी चलानी सीख लिया? नहीं जी, ऐसा है नहीं, कुछ समय निकलेगा उसके बाद इसके बारे में पूरी जानकारी तो लेंगे। अभी कुछ शुरुआत नहीं करी? ना ना, अभी नहीं करी है जी, अभी स्टाफ पे चला रहा है। अच्छा, स्टाफ पे चला रहा है आपने? हाँ जी। आगे क्या प्रोग्राम है आगे तक स्टाफ को लेकर? ना ना जी, आगे आप खुद खुद? हाँ हाँ जी, थोड़ा हो जाए तो मिलवाओ। ये फोरमैन राम राम? फोरमैन जी, राम राम। क्या नाम फोरमैन साहब? कुलजीत सिंह जी। कुलजीत सिंह, तो कितने साल हो गए आपको जैसे हार्वेस्टर चलाते हुए? हार्वेस्टर 10-12 साल हो गई। 10-12 साल हो गए, तो काफी सीजन हो गए। बाहर भी गए हैं या अपने? हाँ, ज्यादा मध्य प्रदेश भी जाते हैं। मध्य प्रदेश जाते हैं। तो आपने तो काफी तरह की मशीन चला ली होगी? कैसे ही? काफी कंपनियों की मशीनें चला ली? हाँ जी, काफी कंपनी की। हाँ, तो आपने आज तक सबसे बेस्ट जो मशीन लगी वो कौन सी लगी? विशाल कंपनी। विशाल की लगी? हाँ जी। उसमें और इसमें क्या अंतर लगा जैसे आपने, किस कौन चीजों से आपको वो अच्छी लगी? उस कंपनी की सेटिंग ज्यादा आई। अच्छा, सेटिंग इसकी थोड़ी सेटिंग कम है। अच्छा, सेटिंग कम है। अच्छा, और चलने में कैसी क्या है? चलने में तो सभी ठीक है। अच्छा, बाकी खिंचाई ज्यादा है विशाल कंपनी की है। विशाल की ज्यादा खिंचाई, तो उसका कई जगह पर प्रॉब्लम भी बताओ, जैसे कलर में भी दिक्कत आ गया है, तो उसमें आपने किसा क्या लगा? नहीं नहीं, वो माड़ी मोटी प्रॉब्लम आती है, कोई खास प्रॉब्लम ही, कोई एक आधे फीस में आ जाती है। अच्छा, तो वैसे पार्ट पुट तो सेम होगा विशाल का? हाँ, सब सेम ही है, बाकी सेटिंग पर आपने थोड़ा अलग। हाँ, ये लगा भाई इसमें कि उसकी सेटिंग बढ़िया है इससे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कीमत का भी कहीं ना कहीं अंतर कीमत का सभी का वक्र वक्रा होता है। हाँ, वो अपनी अपनी जैसे पसंद होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मशीने चलाई ही है, तो इसमें किसी के खिंचाई लगी मशीन की आपने? खिंचाई तो अच्छी है इसकी। तो कितने एकड़ काट दी लगभग एक घंटे में ये मशीन? एक घंटे में 3-4 एकड़ काट देती है। 3-4? और एवरेज कैसी क्या है जैसे? एवरेज अच्छी है इसकी। अच्छी है। हाँ। तो जैसे अब तो गर्मी में टेम्परेचर भी काफ़ी, मशीन ने देखा है टेम्परेचर का इशू आता है, टेम्परेचर काफ़ी उठाने लग जाते हैं। हाँ। तो इसका कितना क्या टेम्परेचर रहता है जैसे? इसका 90-95 पे चल रही है अभी। ये लाल इन होगा इसमें? लाल इन, ये तो इतने पे लगभग चलती है सभी चलती हैं। डिस्पोजल इंजन है वो 80 के करीब चलता है। हाँ हाँ, ये 90-90 का। तो 101 HP है ना इसमें? हाँ, 14 फिट कटर है। हाँ जी, 16 16 फीट है? 16 या 14 है? 16 16। अच्छा, 16 फुट 15 फुट के करीब करती है। अच्छा, 15 फीट कटाई करती है। अच्छा, तो इसको प्रेस में सिस्टम भी लगवा है या आपने सिंपल में चलाया है? सिंपल में। कौन कौन सी फसलों की कटाई कर ली लगभग? एक कणक भी कर देती है, जीरी भी कर देती है, मूंग सभी कर देती है। वैसे मल्टी क्रॉप आती है, आपने जैसे गेहूँ में चलाई देखी होगी अभी ये मशीन है? कैसे? ये मशीन अभी तो गेहूँ में चला के देखी होगी? हाँ, गेहूँ में चला के देखी। अच्छा, तो इसमें सिस्टम लेके आए हो साथ या अकेली मशीन लेके आए हो? नहीं, अकेली मशीन ही लेकर आए। अच्छा जी, धन्यवाद। आप एक बार मशीन भी देख लेते हैं कैसी क्या खिंचाई कर रही है, कैसा निकाल रही है और कैसी क्या है खेत में। जी धन्यवाद। ओके, तो टैंक खाली कर दिया अभी, तो ट्रैक्टर में देख लेंगे जैसे कैसा क्या सफाई इसकी, और एक बार नीचे भी देखेंगे कोई दाना ग्रेन लॉस तो नहीं कर रही मशीन है, और सफाई देखेंगे। मेन बात है सफाई की, कोई बॉडी कोई और अन्य खतर बार। हिंद 999
सफाई बहुत अच्छी है इस मशीन की। देख लो खाने के लिए यूज में बिल्कुल सीधे ले सकते हैं, कोई भी पोटी नाम की चीज़ नहीं है इनमें, बिल्कुल साफ गेहूँ। सबसे अच्छी सफाई लगी इस मशीन की मुझे इनमें लगभग, और आप भी देख सकते हैं जैसे दिख रहा है अभी तो बिल्कुल सफाई के साथ गेहूँ निकाले हैं। एक बार यहाँ पे और देख लेते हैं, अभी जा रहे हैं इसके पीछे देख लेंगे जैसे। तो सही चल रही है, पीछे नीचे कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। एक दो जगह देख लेते हैं जैसे, ठीक है यहाँ पे और देख लेते हैं, तो सही चल रही है मशीन है। कोई इक्का दुक्का दाना कोई तो बाल का भी जड़ जाता है, तो मशीन स्पीड भी ठीक है कुल मिला के, और नीचे भी दाना नहीं है, सफाई सबसे अच्छी लगी जैसे।